किसी का प्यार देखना है तो आप एक बाप और एक बेटी का प्यार देखिए। प्यार का जो निशान कहा जाता है, प्यार का मसाल कहा जाता है, वो एक बाप और एक बेटी के बीच में जो प्यार होता है, उससे बड़ा मोहब्बत और उससे बड़ा प्यार शायद इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक बेटी और एक बाप के बीच में जो प्यार का स्नेह का संबंध होता है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा संबंध होता है, सबसे बड़ा स्नेह और सबसे बड़ा प्यार होता है। लेकिन एक बाप के दिल पर एक नहीं दो दो बेटियों का एक ऐसा लालचन किसी दूसरे व्यक्तियों द्वारा, दूसरे युवकों द्वारा उस बाप के दिल पे इतना बड़ा चोट दे दिया जाए दो दो बेटियों का, तो एक बाप इस समाज में कैसे रहेगा? कहीं ना कहीं उसका दर्द वो एक बाप ही बता सकता है। एक ऐसा ही मामला हमारे साथ आया, एक ऐसा ही मामला हम लोगों के बीच में आया है जनपद महाराजगंज के पनियरा थाना में। एक बाप का आरोप है कि उनके दो दो बेटियों को बहला और फुसला करके लोग भगा दिए, इनसे दूर कर दिए। हम बात करेंगे उनसे क्या मामले की सच्चाई है। आपके साथ क्या हुआ है? हमारे साथ यही हुआ है सर कि हमारे दो बेटियां थीं, पहली बेटी को ज्योति को पहले भगा दिया गया, उसके 6 महीने बाद में 3 अप्रैल को बड़ी बेटी को भी भगा दिया गया। हालांकि हम उससे बात भी किए थे उसके माता पिता से कि मतलब फोन में कि आप लोग कमाओ खाओ, हमको भी कमाने खाने दो, लेकिन वो नहीं माना। जबरदस्ती बोलता था शादी अगर कहीं और करोगे तो उनको गोली मार देंगे। वो जो ले करके भगा है वो कहाँ का रहने वाला? वो ग्राम कुआचा कोरोटी टोला। ठीक है, आपकी बेटी और उस युवक में पहले से कोई संबंध था? अभी सर हम नहीं बता पाएंगे था कि नहीं था, क्योंकि हम बाहर में रहते थे, घर पर नहीं रहते थे। क्या करते हैं आप? वो बाहर हम चप्पल के फैक्ट्री काम करते हैं जालंधर, और नीतीश साहब बोल रहे हैं लड़की आएगी बयान होगा, जिस हिसाब से बयान देगी अगर गलत बयान निकलेगा तो घर से तुमको घसीट के मैं थाने में ले आऊंगा, तुमको ही जेल कर दूंगा। आप पूछे नहीं कि आखिर मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों जेल करेंगे? बोल रहे हैं लड़की का बयान माना जाएगा कि तुम लोग माँ बाप क्या उसे कहवाते थे क्या नहीं कहवाते थे तुम ही लोग जानोगे, हम लोग थोड़ी जानते हैं। अब लड़की को भला फुजला के क्या बात किए हैं क्या नहीं किए हैं हम लोग थोड़ी बता पाएंगे। आपकी बेटी आपसे दूर गई है और उसका न्याय पाने के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जी। क्या मन में है, क्या सोचते हैं आप? हम यही सोच रहे हैं कि उन अपराधियों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, सजा मिले। आपको मदद मिल रही है पुलिस से? मदद तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आशा दिया जा रहा है कि हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। 10 दिन ठहरो, 8 दिन ठहरो, 10 दिन ठहरो, उल्टा धमकी भी मिल रही है कि लड़की बयान देगी इस हिसाब से उसी हिसाब से कार्रवाई होगा, नहीं तो आपको उठा के जेल कर दिया जाएगा। आपसे दूर जाने के बाद आपके बेटियों से दोनों में से किसी बेटी से बातचीत हुई थी कभी फोन से? कभी नहीं हुआ सर। आपको पता है कि वो लोग कहाँ हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। कैसे आखिर बरामदगी होगी? पुलिस क्या कह रही है इसमें, कब तक बरामद करेगी? पुलिस बोल रही है जब भी जाते हैं महाराजगंज कप्तान साहब की हैं, पुलिस यही कहती है कि ठीक है 2-4 दिन का टाइम दो, 8 दिन का टाइम दो, 10 दिन का टाइम दो, बस यही कहती है पुलिस। अभी आप सुन रहे थे एक बेटी के बाप का दर्द, उनके चेहरे से, उनके चेहरे पे जो झुर्रियां है उसके झुर्रियों से और उनके चेहरे का जो रिएक्शन, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बाप के दिल में कितना दर्द भरा हुआ है। उस दर्द को भुलाने के लिए, उस दर्द को लेकर के यह बार बार थाने पे आते हैं इस आशा में कि हमारे साथ मदद होगा, पुलिस हमारे साथ न्याय करेगी, हमारे बेटियों को हमसे मिलवा देगी। लेकिन इनका कहना है काफी दिन गुजर जाने के बाद भी हमारे बेटी का अब तक दोनों बेटियों में किसी का भी कोई अता पता नहीं चला है। हम रोज रोज आकर के थाने का चक्कर काट रहे हैं इस आशा में कि एक ना एक दिन ये कानून हमारा साथ देगी, हमारा सहयोग करेगी और हमारी बेटियों को हमारे समक्ष ला करके प्रस्तुत करेगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी आपकी नहीं बल्कि ये पूरे समाज की एक बहुत ही विडंबना है कि आए दिन ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, बावजूद उसके ना तो बच्चियां समझ पा रही हैं और ना उनके अभिभावक समझ पा रहे हैं और ना ही जो बच्चे लेकर के भाग रहे हैं वो और उनके अभिभावक। तो कहीं ना कहीं दोषी हम सब हैं, समाज है, कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए कि सबको, सभी बच्चियों को अपना बहन समझा जाए, सभी बच्चों को अपना भाई समझा जाए, तब जाकर के भारत में एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है।
नहीं तो अभी तो ये मामला बहुत कम है, जिस प्रकार से शहरों में ये मामले ज्यादातर देखने को मिलते थे, अब ये मामले गाँव में भी तेजी से अपना पैर पसार रहे हैं और आगामी समय में अगर इस पे रोकथाम नहीं लगा तो कहीं ना कहीं ये मामले और तेजी से बढ़ेंगे। ऐसे मामलों पे आपका क्या कहना है, क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।